अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल हैं, कैसे हैं, अच्छे से होंगे। और कराची की इस कश्मकश में है मौसम की, होपफुली किसी और चीज़ की, अल्लाह ना करे कोई हो, मौसम की कि शायद कुछ सर्दी आ जाए और कुछ वापस से सर्दी वाले हम फिर से कपड़े पहन लें और इंजॉय कर लें। होपफुली आगे के दिनों में होंगी। दिसंबर वो भी ऐसा चल रहा है, ऐसा लगता है कि टेम्परेचर शायद हम कुछ आराम से अक्टूबर में जी रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह सर्दी को भी इंजॉय करने का मौका मिलेगा और फिर वो खाने, वो तमाम चीज़ें होती रहेंगी। अच्छा, आज हम बात किस पे कर रहे हैं, आज बड़ा सोच रही होती हूँ मैं चीज़ें, लोगों से पूछ रही होती हूँ, प्रॉपर सही रिसर्च इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक आप लोगों के सामने लेकर आऊँ, ताकि आप लोगों को अगर नहीं मालूम है तो मालूम हो जाए, और अगर मालूम है तो अच्छा है, थोड़ा थोड़ा अमल करते हैं, जब हम सुनते हैं तो अमल भी करते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ ओमेगा थ्री के बारे में। हम सब लोगों ने बहुत सुना है ओमेगा थ्री होता है, थ्री क्या चीज़ है, ALA और EPA है और DHA, ये मिलकर बनता है ओमेगा थ्री, जो कि एक फैटी एसिड है। ये हमें मिल जाता है फिश में, वॉलनट्स में और इसके साथ साथ फ्लैक्स सीड में। क्या काम कर रहा है फ्लैक्स सीड, जो कि अलसी के बीज है, बहुत कॉमन और हर जगह आप लोगों को मिल भी जाते हैं। अच्छा, काम जो कर रहा है वो ये होता है कि आपकी आईसाइट के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। कहते हैं वो बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं, कोशिश करते हैं अगर उनको फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो वो देख कर लें कि उसमें ओमेगा थ्री हो, ताकि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी हो। जो कि प्रेगनेंट वुमेंस हैं, ख्वातीन हैं, उनके लिए भी कहते हैं कि ओमेगा थ्री ज़्यादा से ज़्यादा लें, ताकि जो है वो फीटस की जो अच्छी ग्रोथ हो, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए। और इसके साथ अच्छा चले आपा की तरफ चलते हैं और फिर मैं बताती हूँ मज़ीद बात। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आप पानी पिए आराम से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग, यकीन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। डेफिनेटली अपनी शाम को एंजॉय करते हुए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त जो है वो आप लोग देख रहे होंगे। जनाब लज़्ज़त प्रोग्राम में आज क्या बनने जा रहा है ये भी आपको हम बताएँगे। बहुत ही मज़े की तीन चीज़ें जो हैं हम बनाने जा रहे हैं। ये वो तीन चीज़ें हैं जो अमूमन हम बनाते तो रहते हैं, लेकिन क्या है कि कभी कभी हमें याद नहीं रहती कि हमें बनानी चाहिए। जैसे कि आज हम जो सब्ज़ी बनाने के लिए जा रहे हैं, वो सब्ज़ी जो है वो है, कौन सी सब्ज़ी है मैं आपको बताऊं, देखिए मैं भी भूल रही हूँ, मूंगरे। मूंगरे एक ऐसी चीज़ है कि जो कि मेरा ख्याल है कम घरों में बनाई जाती है, लेकिन आप बनाइएगा आपको अच्छी लगी। ये मूली की फलियाँ कहलाती हैं, जो ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है, विंटर्स में आती हैं और विंटर में सब्ज़ी का मज़ा बहुत अच्छा होता है। मूंगरे को आलू और मटर के साथ हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये आप देखिएगा। इसके अलावा चपली कबाब ऑल टाइम फेवरेट होते हैं, क्योंकि कबाब एक ऐसी चीज़ है कि आप चाय पे अभी सर्व करें या मंचिंग का आपका दिल चाह रहा था, अच्छा सा एक कबाब फ्राई करें, चाय के साथ खाएं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। फिर मेन कोर्स में तो हमेशा ये रहते ही है, साथ ही अगर पराठा हो तो और भी मज़ा आता है। तो आज कैसे बनेंगे ये रेशमी चपली कबाब बनेंगे, और इसके अलावा मिंटी चिकपी सैलड, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अच्छा सा, और साथ ही सबसे बड़ी एक चीज़ है मज़ेदार सी इसमें ये है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है। इसमें हम वो तमाम सब्ज़ियाँ भी इस्तेमाल, सब्ज़ियों से मिला दिए कि हम इसमें खीरा है, टमाटर है, प्याज है, और इसके अलावा चिकपी यानी कि चने, वाइट वाले चने, जो मेरा ख्याल है सभी को अच्छे लगते हैं और हर घर में मौजूद भी होते हैं, बॉयल फॉर्म में भी होते हैं, कच्चे भी मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आप इसको बॉयल करके रख लें तो होता है कि आपके गेस्ट आते हैं तो आप इसे कुछ सालन बना सकते हैं, चावल में डाल के बना सकते हैं, बिरयानी की फॉर्म में, पुलाव की फॉर्म में, चनों की चाट तो मेरा ख्याल है ऑल टाइम फेवरेट होती है, रमज़ान के अलावा भी अगर आप खाएँ तो आपको बहुत मज़ा आता है। ठीक है जी, तो ये हमारी तीनों चीज़ें आप बिल्कुल देखिएगा कि कैसे बनेंगी। तो आइए काउंटर पर चलते हैं। अभी आप ठीक है? यस, फाइनली बेहतर हो गई हो। बताते बताते कुछ धांस लगी। अच्छा, एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बता रही थी, बीच में इनकम्प्लीट हुई बात। अच्छा, US में जितने ट्रीटमेंट्स होते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के जो होते हैं, तो समटाइम्स जब लोग पिल्स नहीं लेते इन चीज़ों की, तो ओमेगा थ्री दिया जाता है एज ए पिल, ताकि वो ये एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन को ट्रीट कर सके। तो वो तमाम लोग, क्योंकि आजकल जब कोविड से जब हम लोग सारे बाहर निकले या कोविड के दौरान भी लोगों को बहुत स्ट्रेस रहा, डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी, बेचैनी, बहुत चीज़ों की रहती थी, जॉब्स की, महंगाई की, इन तमाम चीज़ों की, तो कहते हैं कि ओमेगा थ्री जो कि मैंने आपको नेचुरल सोर्सेज बताई हैं, फिश की, वॉलट्स यानी अखरोट की एंड फ्लैक्स सीड की, तो आप ये भी लेकर जो है इसे पूरी कर सकते हैं। डिप्रेशन कम करता है, इसके साथ साथ बीपी कंट्रोल रखता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखता है, और इसके साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता, तो ये बेस्ट है फॉर आई हार्ट हेल्थ, इन तमाम चीज़ों के लिए जो कि बेहतरीन है। ओमेगा थ्री इस्तेमाल कीजिए, जो कि आपकी हेल्थ के पॉइंट से बेहतरीन है, तो बेस्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल
लेकिन एक बात बताऊँ कि ये फ्लैक्स सीड जो है वो जब भी आप इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा कि अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेना एक दफ़ा कि भाई आप खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, क्योंकि जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनके लिए मना किया जाता है कि थायराइड के पेशेंट जो हैं वो हरगिज़ भी फ्लैक्स सीड ना लें, हो सकता है कुछ इसमें ऐसी चीज़ होती है जो आपके लिए सही नहीं है। तो अच्छा, दूसरे फिश जो है आजकल इजीली मिल भी जाती है, मौसम भी है, तो बिल्कुल खाएं और फिर उसकी कमी को पूरा करें। और जो एक एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है कभी कभी बहुत ज्यादा, हाँ। तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं आप। ओह यस, तो ये है प्रॉपर इंफॉर्मेशन, मैंने कहा कि इनकम्प्लीट रह गई थी ताकि आप लोगों तक शेयर करें और इस्तेमाल करके अपनी हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं, बच्चों को अच्छा रख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, बिल पहले हम मूंगरे आलू बना लेते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा गलने में टाइम लगेगा। जहाँ पर जो चपली कबाब है उसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, इससे पहले आ जाते हैं मूंगरे आलू पे। मूंगरे मेरे ख्याल बहुत कम लोगों के घर में बनते होंगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। क्योंकि एक ऐसी सब्जी, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि सीजन में आने वाली हर सब्जी को खा के देखें आपको अच्छा लगे, ख़ासतौर से जितनी हमारी विंटर की सब्जियां हैं यानी सर्दियों में जितनी भी आती हैं वो बेहतरीन होती हैं। मूलियां आप देखें कितनी अच्छी आ रही होती हैं, तो ये मूलियों की फलियां होती हैं जो कि ये इस फॉर्म में हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि मैंने इसको थोड़ा बॉयल कर लिया, क्योंकि इसमें हल्की सी एक बिटरनेस होती है और थोड़ी सी सख्त भी होती है, कभी कभी तो बहुत नर्म होती हैं आराम से पक जाती है, लेकिन आप इसको पहले बॉयल कर लें, इतना करें कि आपको गली भी फील होना चाहिए। तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ बनाना। अभी ला मुझे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल देंगी बेटा? ओके, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो कि भरपूर विटामिन ए एंड डी से है, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, यूएचपी ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, गारंटीड, हिफ्जाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनस्पति का जी। अच्छा देखिए जी, इससे मैंने डाल लिया हाफ कप मैंने इसमें शामिल किया है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। 250 ग्राम मेरे पास थे मूंगरे जिनको हमने काट के हमने बॉईल कर लिया, 250 ग्राम ही आलू थे जिनको हमने क्यूब कट कर लिया, और ये तकरीबन आधा कप से थोड़े से ज़्यादा हमने मटर रखे, मटर भी हमारे पास बॉईल हुए हुए हैं। इसके अलावा टमाटर हैं यहाँ पर, लहसुन है, हरी मिर्चें हैं, साबुत लाल मिर्चें हैं, इन सबको किस तरह से इसमें डालेंगे और बनाएंगे आप देखते रहिए, ठीक है जी। जल्दी से हम इसको डाल देते हैं, ये गया लहसुन, लहसुन के साथ ही ये जाएगी साबुत लाल मिर्चें, ये चली गई, तो थोड़ा सा हम तेज़ कर लें ताकि ज़रा जल्दी से हो जाए, क्योंकि वरना फिर ब्रेक आ जाएगा, है ना। ये चैलेंज जी, ये हो रहा है हल्का सा, जैसे ही हो जाएगा हल्का सा, जैसे कच्चापन दूर होगा, ये मैं थोड़ी सी इसमें हरी मिर्चें, अब हरी मिर्चें आप फ्राइंग में डालना चाहें यानी बघार में डालना चाहें आप उसमें भी डाल सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आता है, हरी मिर्च का फ्लेवर बेहतरीन रहता है। तो मैं दो तीन थोड़ा सा डाल देती हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा हम बाद में ऐड कर देंगे, हल्का सा इसको भी फ्राई करेंगे, लेकिन ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इसके जो बीज होते हैं ना वो दरअसल शरारत कर जाते हैं कभी कभी, है ना। तो ये करते, ये हो गया। अब ये टमाटर है मेरे पास एक बड़े साइज़ का, ये दो मीडियम साइज़ के टमाटर ले लीजिए, ये चलेगा इसके अंदर, और जाएगा इसमें नमक और मिर्चें जो हम नॉर्मली डालते, नमक जाएगा इसमें तकरीबन मैं डालूँगी 1/4 teaspoon, ठीक है ना, एक से थोड़ा सा ज़्यादा, हल्दी पाउडर 1/2 teaspoon, पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन ये 1 teaspoon चलेगी, ठीक है। अब ये बना लेंगे हम इसका मसाला बेहतरीन सा, ये इसको मैं भून लेती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, इसको इतना ऐसा आपको भूनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टमाटर आप देख रहे हैं कि बारीक कटे में, तो इसी लिए मैं इसमें शामिल करूँगी ये आलू, और हम ब्रेक लेंगे। चलें, ये मैंने आलू इसके अंदर डाल दिए, और आलू को मैं थोड़ा सा भून के इसमें 1 cup के करीब पानी डालूंगी ताकि आलू हमारे गल जाएं, और जब आलू गलने के नज़दीक होंगे फिर हम क्या करेंगे ये आपको बताएंगे, हम अभी नहीं बताएंगे बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए इंतज़ार करना होगा। मूंगरे आलू जो कि यकीनन आप लोगों को बहुत ही मज़े की रेसिपी लग रही होगी और खाई भी होगी, लेकिन ये है समीन आपा का स्टाइल। तो कैसे बना रही हैं ये मूंगरे आलू, फिर रेशमी चपली कबाब, एक और मज़े की रेसिपी है, आप लोगों की कॉल्स का सिलसिला वो भी शुरू करते हैं, लेकिन फिलहाल है ब्रेक का टाइम, और फिर आप लोगों को थोड़ी देर में ज्वाइन। यहाँ बहुत मजेदार से मूंगरे आलू बन रहे हैं, खुशबू तो बड़ी अच्छी आना शुरू हो गई है ना? आज मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगी ये मूंगरे आलू। बिल्कुल, आप खा के देखिएगा, हाँ। फिर आप कहेंगे नहीं बाकी बनना चाहिए। सीजन में देखिए 2-3 दफा बना लें, बहुत अच्छी बात है, और आसानी के साथ अवेलेबल है, लेकिन इनको बॉयल कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि आप बनाएंगे इसको
थोड़ा गलने में टाइम लगता है इसका, तो इस चीज़ को थोड़ा बॉईल कर लेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा। इसमें आपने देख ही लिया था मैंने पानी शामिल कर दिया, ये अब ये आलू गल रहे, आलू तकरीबन गलने वाले होंगे तब मैं इसके अंदर ये मूंगने डालूंगी और मटर मैं सबसे आखिर में डालूंगी क्योंकि मटर हमारे पास बॉयल हुए हैं इसलिए इसको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुक होने की। ठीक है जी, तो आ जाते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी जो कि बनने जा रहे हैं ज़बरदस्त से चपली कबाब, रेशमी चपली कबाब जिसको हम बनाएंगे चिकन के कीमे के साथ। चिकन का यहाँ पे कीमा मेरे पास मौजूद है, हाफ के जी चिकन का कीमा है और एक काम करते हैं कि इसको हम चले जी ये आ गया ओके चले इसको यहीं रखिएगा बोल को ना चाहिए आपको जी मुझे चाहिएगा। अच्छा आपसे बात करेंगे जब आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। अभी जरा से मैं चीजें बता दूं। अच्छा इसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसी में शामिल कर देंगे, हरी मिर्चें, जीरा पाउडर, कुटा हुआ धनिया, ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अनारदाना ये गया, इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट ये चला गया 1 टेबल स्पून। अच्छा इसके अलावा ये प्याज, ये तमाम चीज़ें जा रही हैं। अच्छा इसको इस तरह से चॉपराइज करेंगे कि चीज़ें आपको हल्की सी चंकी भी फील हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल इसके साथ पिस जाएं। टमाटर, एक बड़े साइज़ का टमाटर ये चला गया, इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये हरा धनिया, ठीक है थोड़ा सा हरा धनिया। अब बारी आती है इसमें नमक की, नमक मैंने अभी तक इसमें ऐड नहीं किया तो तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक डालूंगी क्योंकि इसके अंदर अंडा भी है और साथ ही इसके अंदर ये जो है मकई का आटा वो भी मौजूद है। कुटी हुई लाल मिर्चें, इट्स अप टू यू कि आप कितना डालना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको पीसेंगे फिर भी हम इसको चीज़ों को कूट के कुटा हुआ क्यों डालें, अगर हम पिसी भी डालेंगे ना तो उसका इतना अच्छा फ्लेवर भी नहीं आता, कुटी हुई का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा था क्योंकि कूट के हम फौरी तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो हल्की सी चंकी भी लगेगी लेकिन बहुत मज़े की लगेगी। अब रह गया अंडा, इसके अलावा यहाँ पे मकई का आटा, पहले मैं इसको थोड़ा सा पीसूंगी, अब आप देखिएगा कितना पीसूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं पीसूंगी, निकालने के बाद अंडा और मैं इसमें मकई का आटा शामिल करूंगी, अभी डालूंगी तो ये बहुत ही स्टिकी सा इसका सारा टेक्सचर हो जाएगा, इसको मैं पीसती हूँ आप कॉलर चला। ओके लुबना जी हमारे साथ, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम अबील, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ गायब थी अबील? हाँ हाँ थोड़ा सा बस मसरूफ थी, घर में ही कुछ मसरूफियात थी और बस दिल लगा हुआ था आप लोगों के साथ ही, बस मैंने कहा जल्दी से आती हूँ और फिर से मुलाकात करें। और समीना कहती है, शेफ समीना बात करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेफ समीना, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मजे में हूँ, खैरियत से हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? ठीक है, मौसम इंजॉय कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। चले गुड हो गया, गुड हो गया। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, मुझे कोफ्तों का मसला बता दें, आपने मुझे बताया ही नहीं। रियली सॉरी मैं नहीं बता पाई, मैं अभी बताती हूँ, अभी आप फोन रखेंगे मैं आपको फोन बताती हूँ। हाँ नहीं वो दूसरे ये एक चीज आपसे पूछनी थी मैंने, ये शेफ मुझे मखानों की खीर बनती है जी जी, वो बनाना बताएंगी आप? नहीं मखानों की खीर तो वैसे मैंने बनाई है, मेरे पेज पे जाएंगे आपको मिल जाएगी वहाँ पे, लेकिन चलो अच्छा, मैं शामिल अच्छा, कर लेती हूँ। अभी मतलब अभी लेटेस्ट बनाई है या आपने मतलब? नहीं 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 मैं खाली दो तीन साल पहले बनाई थी। दोबारा ट्राई दोबारा कर ले, दोबारा आपकी फरमाइश पे लुबना जी ट्राई करते हैं कि जरूर बनाए लिए मखानों की खीर जो कि एक्सट्रीम हेल्दी होगी, तो डेफिनेटली आप आपको कहेंगे जरूर बनाएं। वेल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थोड़ा सा इंतजार करें, कोफ्तों के क्या मसाइल है वो पूछेंगे आप से। अच्छा देखिए जी ये देखें, अब आपको बहुत मोटा मोटा मसाला नहीं, क्योंकि जब हम बीफ से बनाते हैं तो काफ़ी मसाला आपको मोटा मोटा नजर, ये देखें आपको हल्का सा नज़र भी आ रहा है लेकिन फील होना चाहिए थोड़ा सा, ये गया। अब मैं इसमें अभी एक अदद अंडा डाल ली, ये गया अंडा ये बाइंडिंग के लिए, और 3/4 कप इसमें हम शामिल करेंगे मकई का आटा, इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, मिक्स करने के बाद थोड़ी सी देर के लिए हम रखेंगे, चपली कबाब बनाएंगे और फ्राई कर लेंगे, दैट्स इट। इतने आसान हैं, ये बेहतरीन बनेंगे, बिल्कुल इस सीज़न में अच्छे लगते हैं। अच्छा हमारी कॉलर ने कहा था कि जी चपली कबाब कोफ्ते होंगे टूट जाते हैं। अच्छा कोफ्ते के टूटने का एक जो रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि आपका कीमा जो है वो शायद चिकना है, ठीक है ना, चिकना है या मोटा है या उसमें जो साइड्स की चीज़ें होती हैं पर्दे वगैरह वो अगर ज़्यादा हों तभी भी आपके कोफ्ते फट सकते हैं। बिल्कुल रूखा कीमा लीजिए, कीमा रूखा जब होगा तो उसके कोफ्ते इंशाल्लाह ताला अच्छे बनेंगे। दूसरी बात है कि आई डोंट नो कि वो आप उसमें प्याज कितनी डालती हैं, अगर आप हाफ के जी के बना रही हैं तो उसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डालें, बहुत ज़्यादा प्याज डालने से भी बाज़ कोफ्ते टूट जाते हैं। एक डालिएगा,
एक प्याज मीडियम साइज़ की। इसके अलावा आप उसके अंदर चने, भुने हुए चने या फिर एक बादाम का पाउडर जो है वो आप उसके अंदर 1 टेबल स्पून डालिएगा। बादाम का पाउडर डालें तो वो भी आप 1 टेबल स्पून, भुने हुए चनों का पाउडर डालें तो वो भी 1 टेबल स्पून उसके अंदर शामिल कीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके कोफ्तों में प्याज की मकदार थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। प्याज से हमेशा कोफ्ते जो हैं वो टूट जाते हैं, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि ऐसा तो नहीं है। अब ये दो चीज़ें आप करके देख लीजिए। फिर दूसरी बात ये कि जैसे आप उसको ग्रेवी में डालती हैं तो उसमें ग्रेवी का टेम्परेचर क्या होता है? ग्रेवी ऐसा तो नहीं कि वो ठंडी होती है और आप डाल देती हैं कोफ्ते और जब आप चूल्हा ऑन करती हैं तो वो फटना शुरू हो जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ग्रेवी आपकी जो है बबलिंग पॉइंट पे होना चाहिए, खूब अच्छी सी उसमें बबल्स आ रहे हो, खूब गर्म हो, तब आप उसके अंदर डालें। और उसमें चम्मच आपने नहीं चलाना, शुरू में आप उसको खोल के बनाइए, यानी आपने उसको लिड को कवर नहीं करना। आप उसको कपड़े से या किसी भी चीज़ से आप उसको हिलाते रहे ताकि चारों तरफ से अच्छे से हो जाए। जब एक कोटिंग पकने की हो जाए उसके बाद आप उसको भूनना शुरू करें स्पून के साथ। ऑब्वियसली आपको थोड़ा भूनना होगा। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब भी आप कोफ्ते बना रहे तो मसाले को पहले ही अच्छा भून लें, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब हम मसाला भून रहे होते हैं तो हमारे कोफ्ते जो हैं वो टूट जाते हैं, हमने उसमें डाले हुए होते हैं। तो मसाले को अच्छे से भून लें, दही से अच्छे से भून के उसके बाद आप उसमें कोफ्ते डालेंगी। और उसमें पानी, जैसे मसाला बहुत अच्छा सा भून जाए उसके बाद आप उसमें तकरीबन 3/4 कप पानी डालिए। जब बॉइलिंग पॉइंट पे हो तब आप उसके अंदर कोफ्ते ऐड करें और तेज़ आंच पे उसको अच्छे से उसको हिलाते रहें तो इंशाल्लाह ताला नहीं फटेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को आपको बता दी, आई एम श्योर कि वो सही आप डन बन जाएंगे ना। कॉलर ले, बिल्कुल लीजिए, मैं इसको मिक्स करी। झेलम से हैं कौन? मिसेस उवैस। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं मिसेस उवैस? मैं ठीक, आप सुनाए? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, खैरियत से है। चली गई थी। हाँ बस, आप लोगों ने इतना मिस किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सीरियसली आप लोग मेरे अपने हैं, बड़ी मोहब्बत का आज अंदाजा हो रहा है कि कितनी मोहब्बत है। आपा का क्या हाल है? आपा के बाजू में? आपा बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपा? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपा बहुत दुआएं की आपके लिए, अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन आमीन आमीन। बस आप लोगों की दुआएं थी, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जी क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं, आपका शो बहुत अच्छा। आलू भंगरे भान रहे हैं, चपली कबाब भान रहे हैं। जी 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 जी, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, आपको फरमाइश कर दें कुछ। नहीं फरमाइश इंशाल्लाह सब पूरी हो जाती है। थैंक यू सो मच। वेल थैंक यू सो मच मिसेज उवैस कॉल करने का, कॉल करती रहे, अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल अच्छा। आप हमें अब जाना ब्रेक की तरफ। अच्छा ये हमने मिक्स कर लिया है, ब्रेक टाइम में मैं इसके चपली कबाब बना लूंगी, लेकिन जाते जाते यहाँ डाल देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं ये मूंगरे, ठीक है, जो 250 ग्राम थे। लेकिन इसमें आलू और मूंगरों की मकदार को आप बिल्कुल बराबर रखिएगा और उसको थोड़ा सा बॉयल कर लीजिएगा। काटने के बाद मैं इसको मिक्स करती हूँ, मिक्स करके मज़ीद मैं इसको दम पे रखूँगी। मटर किस तरह डालेंगे ये आपको बाद में बताते हैं, कब डालेंगे। और तो फिलहाल मूंगरे इसमें गए हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब अगेन कवर अप और इंतजार, मजीद डिटेल मूंगरे आलू की, रेशमी चपली कबाब। अब तक तो बीफ की चपली कबाब बड़ा एंजॉय करते रहे, लेकिन चिकन के होंगे वो भी बड़े ही रेशमी चपली कबाब, इनकी डिटेल्स वो भी शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मूंगरे आलू जो है वो तो अभी स्लो फ्लेम पे बन रहे हैं, लेकिन बड़े ही क्विकली जो चीज चल रही है वो है रेशमी चपली कबाब। हम ब्रेक से पहले देख रहे थे कि आपने कीमा तैयार कर लिया था, कीमा तैयार कर लिया था और उसके बाद अच्छा इसको आपने बहुत देर तक छोड़ना नहीं, वरना तमाम जो सब्जियां इसके अंदर, सब्जियों से मुराद की टमाटर वगैरह है, वो पानी ना छोड़ दें, ठीक है जी। इसी तरह से इसको बनाएंगे और बनाने के बाद इसको फ्राई कर लेंगे, दैट्स इट। इतनी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसको फ्रीज नहीं आप कर सकते क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं, प्याज हैं, सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो इसलिए इसको हरगिज़ भी फ्रीज़ मत कीजिएगा, फ्रेश फ्रेश बनाइएगा। हाँ जैसे कि आजकल का मौसम है उसमें यह है कि आराम से आप आज बनाएं तो 2 दिन तक आप आराम से इस्तेमाल कर सकते। लेकिन होता यह है कि ऐसा नहीं होता कभी भी कि हम कोई चीज़ ऐसा बनाएं कि 2 दिन के बाद फिर खा लें वही चीज़, दिल चाहता है कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना। तो बिल्कुल अभी इसके बाद मैं बनाऊंगी यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त सैलेड। अभी आप बातें कीजिए, मैं 2 रह गए कबाब मैं बना के फिर मैं इनको फ्राई के लिए। ओके अच्छा, सैलेड जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि बड़ा ही हेल्दी है। हाँ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है क्योंकि इसके अंदर हमने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो बहुत ही जबरदस्त है। चलें जी कॉलर लेते हैं, हिना जी। अच्छा हमारी रेगुलर कॉलर बन गई है, दीजी खान से। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अबील, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं, ऑलमोस्ट डेली माशाल्लाह कॉल मिल जाती है आपकी।
कल मिली थी, आज मिल गई है बात करके, मैंने क्या बात कर लूँ। थैंक यू जी डेली कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। और आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है ठीक। रेसिपीज बहुत अच्छी होती है, हम ट्राई भी करते हैं, आज भी बहुत मजे की रेसिपीज बन रही है। थैंक यू, ये फेवरेट रेसिपीज है मेरी, बन रही है आपा। अच्छा, थैंक यू सो मच जनाब, इनको भी आप ट्राई कीजिएगा, ये वाले चपली कबाब भी आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे लगेंगे। डिफरेंट हैं थोड़े से, इंग्रेडिएंट वही हैं लेकिन थोड़ा सा स्टाइल फ़र्क है, थोड़ा हटके हैं, हटके हैं। वेल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अब हम फ्राई करेंगे से? अच्छा, फ्राई नहीं करेंगे हम, पहले सैलेड बना लेते हैं। तो क्या रखना, रखना भी होता है? नहीं नहीं, नहीं ऐसी रखना नहीं होता, आप अपनी मर्जी पे चल रही। मैं अपनी मर्जी से चलती हूँ, आपको पता है मैं जरा स्टाइल में रहती हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा आ जाते हैं सैलेड पे। अच्छा ये साथ साथ ये भी दिखा दूँ, ये देखिए। ओह वाह, अच्छा मूंगरे टाइम लगाते हैं आप गले में? गले में नहीं, लेकिन मेरे पास चूंकि बॉईल थे इसलिए जरा जल्दी हो जाएंगे, ये चलेगा इसके अंदर। आप कितनी देर में, कितनी देर बॉईल करके डालें? कम से कम 15-20 मिनट आपने इसको बॉईल करना है, ठीक है? और ये मैंने डाल दिए इसके अंदर मटर, और मटर कच्चे हैं कि वो भी बॉईल? नहीं, मटर बॉईल है, ठीक है, बॉईल कर दिए मैंने। अब मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए, हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी, दम पे रखूंगी और उसको निकालेंगे और सर्व करें। किसी हरे धनिया की, किसी चीज़ की इसको इसमें ज़रूरत नहीं होगी आपको, ठीक है जी? मैं ज़रा हाथ साफ कर लूँ। हमने समझ के, अच्छा मैंने तो निकाल के, अच्छा आप पिटाई के लिए आ गए। अच्छा ये क्या, किसके साथ अच्छे लगेंगे ज्यादा, बेसन की रोटी की, क्या रोटी के साथ? सिंपल रोटी के साथ इसको सर्व करें, बेहतरीन लगेगा इंशाल्लाह ताला। और थोड़ा सा अगर अच्छा सा पुदीने वाला रायता बना लेंगे तो और भी बहुत बेहतरीन हो जाएगा, लेकिन बेसन की रोटी आप सही कह रही है ना, मुझे एकदम से कुछ याद आया कि बेसन की रोटी या हल्का सा उसके ऊपर बटर या फौजी वनस्पति के साथ रेडी करके, क्योंकि ये मौसम सर्दियों का मौसम होता है ना, इसमें ऐसी चीजें बेहद अच्छी लगती हैं, खासतौर से मुझे तो। वैसे भी एक तो थोड़ा सा मैं एक बड़ी देसी हूँ और मुझे देसी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो खासतौर से जो सर्दियों में ये चीज़ें बन रही होती हैं मेरी बड़ी फेवरेट होती हैं। नहीं आपको चाइना वाइना में होना चाहिए था, चाइनीज़ हाँ वो भी बहुत मेरा फेवरेट, मतलब अपने देसी के बाद चाइनीज़ अच्छा लगता है। जो क्रीमी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती ना। चलें जी, खैर बहरहाल ये तो एक बात हो गई। अच्छा जी एक काम करते हैं कि इसके हम मिंटी सैलेड की पहले ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। ये गया दही, बहुत ही अच्छी सी शानदार सी इसकी ड्रेसिंग है। दही है तकरीबन 2 टेबलस्पून, मैंने भर के ले लिया। इसमें हम जो चीज़ें शामिल करें, अच्छा ये पुदीना है, ये पिसा हुआ पुदीना है, इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून। कैसा पुदीना? अच्छा पुदीना पिसा हुआ है, फ्रेश है? हाँ फ्रेश, तो को हमने थोड़ा सा पीस लिया था। ओ, अच्छा, लेकिन अच्छा। चूंकि थोड़ा सा ये कम पानी से पिसा हुआ है ना, तो इसलिए ये चला गया इसके अंदर पिसा हुआ पुदीना। इसके बाद क्रश किया हुआ ये लहसुन, ये चला गया 1 टेबल 1 टीस्पून। इसके बाद हम डालेंगे इसमें, ये थोड़ा सा मेरे पास ये सौंठ है, सौंठ जाएगी इसके अंदर तकरीबन 1/2 टीस्पून, बड़ी अच्छी सी एकदम खुशबू आई। लेमन जूस तकरीबन 1 टेबलस्पून, पिसी हुई चीनी या आइसिंग शुगर भी आप ले सकते हैं, पिसी हुई चीनी है मेरे पास, ये 1 टेबलस्पून डाल लेते हैं, ठीक है? 2 टीस्पून डालेंगे तो 1 टेबलस्पून जाएगा। ये क्या पिसी हुई काले मिर्चें, ये जाएंगी तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ले ली। अब इसको मैं ज़रा सा मिक्स कर लेती हूँ, ये बहुत ही शानदार सैलेड बनेगा, आपको मज़ा आएगा ये खा के ना। अच्छा नमक मैंने अभी ऐड नहीं किया, अभी चाहिए आपको नमक खाऊँ, ये नमक मैं इसमें डाली हूँ तकरीबन 1/2 टीस्पून। अच्छा नमक की मकदार को कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, चूँकि चनों के अंदर ऑलरेडी नमक पड़ा हुआ है। इसको मिक्स कर लेते हैं और हम कॉलर से ले। जी जी बिल्कुल, आप कॉलर से बात करें। साथ ही मैं बता दूँ कि ये चने, ठीक है ये चने गए 2 कप चने, 1 खीरा, फिर मैं मिक्स कर लूँगी, ठीक है? इसके बाद ये गए टमाटर, मिंटी चिकपी सैलेड, प्याज और ये थोड़ा सा पुदीना, कटा हुआ पुदीना, हरी मिर्चें, ये थोड़ी सी हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देते हैं, तकरीबन 1 छोटे साइज की हरी मिर्च कीजिएगा। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ और उसके बाद सर्व कर देंगे, दैट्स इट। ऑलराइट, कॉलर हमारे साथ असगर जी मेलसी से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अबील, आप कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं ठीक, मेरी अम्मी आपको याद कर रही हैं, आज उन्होंने कहा कि अबील आप से कॉल मिलाकर पूछो कि वो इतने दिन क्यों नहीं आई। हाँ बस थोड़ा सा मसरूफ थी, फिर मैं दिल नहीं लगा, मैंने कहा ज्यादा दिन छुट्टी नहीं करती, वापस आ जाती हूँ और आप लोगों से फिर मुलाकात। जी जी अम्मी आपको और रश्मिना आपा को दुआ सलाम दे रही हैं। वालेकुम अस्सलाम, हमारा भी बहुत सलाम कहिएगा। जी जी वो सुन रही हैं टीवी में। और स्नेहा आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में, आप बताइए।
मैं ठीक आपा, मैं इंशाल्लाह ये रेशमी कबाब में जरूर ट्राई करूंगा। और मुंगरे तो हम पका चुके हैं, अम्मी बनाती रहती हैं, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप हम ये मुंगरे जो है ट्राई करते रहते हैं, लेकिन आपकी रेसिपी जो है हम जरूर ट्राई करेंगे मुंगरे वाली। बिल्कुल बिल्कुल, आप ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। मैं भी बस पूछने वाली थी, मैंने कहा क्या अब आपने नेक्स्ट ट्राई किया, क्योंकि आप रेसिपी ट्राई करते रहते हैं। बिल्कुल, सॉरी आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, वरना मैं एक दो और रेसिपीज भी जरूर पूछती आपसे कि आपने लास्ट क्या बनाया, क्योंकि ये हमारे वो कॉलर हैं जो देख के फौरी ट्राई भी कराते हैं, तो अच्छा लगता है ये सुन के जब आप लोग रेसिपीज ट्राई कर रहे होते हैं, देन उसका फीडबैक भी दे रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमने लिया फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा है, इसको हम गरम कर लेते हैं। गरम करने के बाद ये कबाब इसमें फ्राई करेंगे। That's it. That's it. सैलेड हमारा ये देखें तैयार हो चुका है, ये मिंटी चिक पी सैलेड ज़बरदस्त सा, इसको भी निकालेंगे सर्व करेंगे। बहुत ही अच्छा सा खट्टा सा मीठा सा दोनों टेस्ट इसके अंदर आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने लेमन जूस भी शामिल किया था और चीनी भी डाली। ठीक है, चल तो हम एक काम करें, हाँ, ब्रेक ले लें। बिल्कुल ब्रेक ले लें, क्योंकि ये ऑलमोस्ट तैयार है, ये ऑलमोस्ट तैयार है। मैं इसको बस दिखा देती हूँ एक दफ़ा आपको, ये देखें बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, मज़े का लग रहा है ये, वैसे बेहतरीन ये तैयार हो चुका है। ठीक है, इसको बस मैं चूल्हा ऑफ कर देती हूँ, ये हमारा तैयार हो गया। आलू भी हमारे गल चुके हैं, जी बिल्कुल गल गए, इसको मैं बंद कर देती हूँ और उसके बाद आ जाते हैं कबाब की फ्राइंग पे। ऑयल हमारा हो चुका है तो हम फ्राई करते हुए ब्रेक ले लेंगे। ठीक है, ऑल राइट, बस आप यहाँ पर डाल रही हैं और हम सबको मालूम है कि चपली कबाब किस तरह से फ्राई किए जाते हैं, तो इन्हें फ्राई कर रहे हैं। इसके लिए कुछ डिफरेंस आई एम श्योर फ्राइंग का नहीं होगा, बेशक ये डिफरेंट टाइप के चपली कबाब हैं, लेकिन फ्राइंग इसकी वही होगी जैसे नॉर्मली हम चपली कबाब करते हैं। राइट आप? बिल्कुल। ओके ठीक है, तो मजीद आगे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन चपली कबाब को रेडी करना है, दैट्स इट, और मजीद कुछ भी नहीं है। फिर मजीद आप लोगों से बात कर सकेंगे, बात करेंगे मजीद, टाइम हुआ कॉलर्स भी ले लेते हैं ताकि आप लोगों से साथ और मजीद कुछ गुफ्तगू हो सके, लेकिन फिलहाल है टाइम ब्रेक का, फिर बस थोड़ी ही देर में आपको ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम बैक, ये हमारी आपा जो है ना, ये बड़ी मस्ती कर रही होती हैं वैसे और बड़ा हंसाती रहती हैं, तो इनकी कंपनी में आई एम श्योर सारे लोग बहुत इंजॉय करते होंगे। अच्छा, तो साथ साथ मस्ती भी और मज़े के खाने भी जो कि यहाँ रेडी हो रहे हैं। नो डाउट चपली कबाब रेशमी होंगे, क्योंकि चिकन के हैं, सॉफ्टनेस होगी, मज़ेदार होगी और मज़े के डिफरेंट है। जैसे कि आप देखते हैं ना कि हम गोला कबाब बनाते, सॉरी ये सीख कबाब होते हैं, रेशमी सीख कबाब, तो उसी स्टाइल से ही हमने बनाए, तो बहुत ही बेहतरीन, आपको मज़ा आएगा। यहाँ पर हमारी जो सैलड की रेसिपी थी वो तो हमारे इसमें जा चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें जी बेहतरीन सा, ये थोड़ी सी हरी मिर्चें बची थी ये मैंने उस पर डाल दी, इसका आपको मैं दिखा देती हूँ। जैसे आम हम भुजिया बनाते हैं सब्जियों की, ये बिल्कुल उसी तरह से बनी। ठीक है, क्या अच्छा, बहुत बहुत मज़े की बनी है, आपको इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। अब बाकी रह के कबाब, अब कबाब को ऐसी चीज़ नहीं जो किसी को फ्राई करना ना आते, थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ कि उसका टेम्परेचर जो है थोड़ा लो हो जाए, ठीक है, खासा गरम हो चुका है हमारी बातों में। मजीद फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हम पॉर कर रहे हैं, फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, गारंटीड डबल रिफाइंड, हिफ्ज़ाने सेहत, जो कि मैं ज़रूर बताती हूँ कि जो उनके उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है, इसीलिए कहते हैं हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल सेहत के लिए अच्छा है, जायके के लिए अच्छा है, मज़ेदार बनते हैं खाने, लज्जत से भरपूर बनते हैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि खाने वो खाएँ जो सेहत से भरपूर हो। बिल्कुल, क्योंकि आपको दे रहा है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाह रही थी वो ये है कि जो इम्पॉर्टेंट है कि अमूमन ऐसा होता है कि हम कबाब बनाते हैं और कबाब जो है जैसे सी कबाब है, कोई सिर्फ चपली कबाब है, वो श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक होने की वजह पता क्या होती है, ये आप देख रहे हैं कि जितने बड़े साइज़ के थे उतने ही बड़े ये निकले हैं, यहाँ पर मामूली सा फ़र्क अगर पड़ा है तो पड़ा होगा, क्योंकि इसको हमने मीड, सॉरी ये तो मैंने चूल्हे बंद कर दिया था, सिर्फ इसलिए बंद किया था कि बहुत ऑयल का टेम्परेचर हाई हो रहा था, इसको हमें मीडियम हीट पे बनाना है। अगर हम लो हीट पे बनाएंगे तो उसका सारा मॉइस्चर जो है वो रिलीज़ हो जाएगा और आपका जो मीट है वो एक तो ड्राई भी हो जाएगा, फिर आपके कबाब या कोफ्ते जो भी आप बना रहे हैं वो श्रिंक बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो जी, इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। ये देखें, अब आप मेरा ख्याल ये आपके सामने हो रहे हैं, हम डर के मारे स्लो कर देते हैं कि कच्चा मीट है तो पता नहीं कब होगा, हालांकि कीमा ऑब्वियसली जल्दी हो जाएगा और चिकन का कीमा, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके साइज में कोई चेंज नहीं आया है, और ये अमूमन होता है, लोग कहते हैं कि जी हमारे चपली कबाब बनाए ये हो इतने से गए। अच्छा, हमेशा चपली कबाब जब भी बनाते हैं तो वो उसकी थिकनेस आपको कम रखनी है, यानी पतले रखने, वो इसी तरह से आ सकती है कि वो अच्छे होल्ड हुए, वो उसी वक्त होंगे जब आप उसमें अंडा डालेंगे, मकई का आटा डालेंगे। मकई का आटा मेरा ख्याल है हर जगह मिल जाता है, नहीं मिलता तो आप उसमें भुना हुआ बेसन भी शामिल कर सकते, लेकिन मकई के आटे का अपना एक फ्लेवर होता है,
वो आप डालिएगा तो उससे अच्छी सी हल्की सी स्वीटनेस भी आ जाएगी आपके कबाब में, आपके कबाब अच्छे लगेंगे। और आप ये देख सकते हैं, ये आपके सामने मैंने बिल्कुल तजर्बाती तौर पे बता दिया कि आप कबाब देखें बिल्कुल श्रिंक नहीं हुए और ये पक भी गए, ये नहीं कि ये पके नहीं, ये देखें आपने कितने बेहतरीन तरीके से ये पक रहे हैं, ठीक है ना। वरना अमूमन ये होता है कि हम बहुत स्लो हीट के ऊपर बना देते हैं और होता क्या है, उससे कबाब जो है वो टूटना शुरू हो जाते, वो श्रिंक हो जाते हैं और वो जूसी भी नहीं रहते। कबाब कोई सा भी आप बनाएं, चाहे वो सी कबाब हो या शामी कबाब हो, गोला कबाब हो, चपली कबाब हो, उसका जूसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जूसीनेस किस तरह से आती है ये मैंने आपको बता ही दिया, खाली कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन कभी कभी हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हमें समझ में नहीं आ रही होती। चले जी, हो गया। ये तो मैंने आज आपसे ये सीखा कि चपली कबाब क्यों जूसी नहीं होते और क्यों श्रिंक हो जाते हैं, जो कि हमेशा मुझे तो ये कंप्लेंट रहती है, लेकिन ये आज मैंने देख लिया कि मीडियम फ्लेम पे बना, अगर वो बीफ हो तो भी मीडियम पर, मीडियम पे देखिए, क्योंकि आप जो कीमा लेते हैं वो तो बारीक कीमा है ना, आप चपली कबाब के लिए कीमा मोटा तो नहीं लेते, आप बारीक ही हमेशा लेते हैं, तो वो कीमा गल जाता है, ये मत सोचें। इसी तरह से जब हम बर्गर पैटी बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि जी बर्गर पैटी बहुत श्रिंक हो जाती है और जूसी नहीं रहती है, बहुत ड्राई होती है, उसकी वजह ये होती है कि आप लोग उसको बहुत स्लो हीट पे बनाते हैं, वो पानी छोड़ देती है और फिर आपका जो ऑयल है ना वो भी बहुत ज़्यादा इसकी वजह से ख़राब होता है। उसकी वजह ये होती है कि ज़ाहिर जब वो पानी छोड़ता है और गोश्त का पानी होता है वो आपके ऑयल के अंदर आता है और उससे क्या होता है कि फिर वो जब गर्म होता है, पकता है, तो आपका ऑयल जो है वो ख़राब होता है, आपकी जो फ्राइंग है वो भी ख़राब हो जाती है। अब आप देखिए इनके कलर जो है ना ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, इनके कलर में कोई फ़र्क नहीं आया, ना ही मेरा ऑयल जो है वो भी ख़राब हुआ है ना, बिल्कुल सही मेरा ऑयल है। इसकी वजह से है कि पानी इन्होंने छोड़े ही नहीं ना, पानी इन्होंने छोड़े नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कबाब बिल्कुल गल गए हैं, तकरीबन तकरीबन क्या बल्कि कुक हैं, फुल कुक हैं, ये नहीं कि अंदर से कच्चे हैं या कुछ ऐसा होगा, हरगिज़ भी ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल इस फॉर्मूले पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके कबाब जो है वो बेहतरीन बनेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, ऑलराइट। चलिए जी, सब रेसिपीज जब रेडी हो गई, आप चेक कर लेते हैं रीकैप, क्योंकि चपली कबाब आप देख सकते हैं, रेशमी चपली कबाब बेहतरीन, फुली डिटेल के साथ आपा ने आपको समझा दिया कि अब जब बनाएंगे चपली कबाब ना वो टूटेंगे ना ही वो श्रिंक होंगे और बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएंगे, जूसी मज़ेदार से। इसका रीकैप होगा फिर मूंगरे आलू और फिर ये यहाँ पर मिंटी चिकपी सैलेड तैयार है, खूबसूरत सा बड़ा अच्छा सा आपा ने इसको प्रेजेंट किया है। अब आपको इन तमाम रेसिपीज का लुक दिखाएंगे, पहले आप लोग चेक करेंगे रीकैप, फिर एक ब्रेक होगा, फिर उसके बाद ये लुक और इसके ऊपर बातें वो करेंगे आप लोगों के साथ शेयर। वेलकम बैक, और बहुत मजेदार से रेशमी चपली कबाब में एंजॉय कर रही हूं, बड़े अच्छे से टेंडर जूसी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जूसी है, टेंडर भी है और मज़ेदार भी, आपको चपली कबाब का फ्लेवर भी मिल रहा है। अच्छा, आपने इसका नाम रेशमी रखा है तो वो सॉफ्टनेस भी आपको मिलेगी, बिल्कुल ज़ाहिर है, वेरी टेस्टी। घर में आप मसाला बनाने के बाद जब मिक्स कर लेंगे तो इसको थोड़ी देर रखिएगा ज़रूर, और मकई का आटा डालते वक्त आप ध्यान रखिएगा, ये ना बहुत ज़्यादा आप डाल देंगे तो फिर ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, तो इसलिए आपने ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा ना पड़ जाए इसके अंदर, वरना अमूमन ऐसा होता है कि आपने आटा डाला, बाइंडिंग तो हो गई, लेकिन क्या है कि आपके कबाब जो है वो सख्त हो गए और आपको अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा। इसमें तमाम चीज़ों को हमने थोड़ा सा पीस लिया था तो उसका फ्लेवर्स भी अभी देखा आपने आ रहा है कि अनारदाने का भी, हर चीज़ का आ रहा है बहुत, लेकिन क्या है कि वो मोटी मोटी कभी लगता है ना कि चीज़ें मोटी हैं और वो मुँह में आ रही हैं, वो हरगिज़ भी इसमें नहीं लगेगी, उनका अपना एक टेस्ट होता है, लेकिन आप ये बनाइएगा आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। हाँ, अनारदाना, धनिया इनका जो है, लेकिन आपको फ्लेवर मिलेगा, बहुत फ्लेवरफुल है, डिफरेंट है, मज़े के हैं, मतलब आप बनाएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा, वाह वाह, इसको तो आराम से बना सकते हैं बिल्कुल, इंग्रेडिएंट चूँकि कोई चेंज नहीं है, सारे इंग्रेडिएंट वही हैं जो हम चपली कबाब में डालते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हमने नहीं डाली। और ये क्या सीन है, ये बस ऐसी वो जो रेडिश जिसे कहा जाता है, टर्निप है? नहीं, टर्निप नहीं है, लाल वाली जो मूली होती है वो जरा ज्यादा लाल होती है। अच्छा, ये लाल मूली है? हाँ, लाल मूली है। ये क्या चुकंदर के साथ थी? हाँ, वो मेरे ख्याल ऐसा ही लग रहा है कि शायद उसके साथ है कि उसकी सोबत का सर आ गया। हाँ, ऐसा वैसा आया, बहुत खूबसूरत लग रही है, अच्छा सा आपने कवाब किया इसको, ये मत करेगा, वो भी मूली है, वो भी मूली, ये कहाँ से आपको मिल रही मूली है? ये पता नहीं, एक पूरा बंच था उसके अंदर, एक ये वाली वो वाली मूली चेक करें, फिर ये वाली मूली चेक करें, मतलब दोनों एक बंच में, ये एक ये वाला था और एक ये वाला साइज, हमें तो व्हाइट व्हाइट ही नजर आती है लेकिन अच्छी दिख रही है, ये रेडिश जो छोटी वाली होती है ना, ये वो वाली है ना, लेकिन ये रेडिश ही है। हाँ, रेडिश ही है ना। अच्छा जी, कल क्या बनने जा रहा है? कल बनेगा कंग पाव चिकन विंग्स बनेंगे, ऑरेंज चॉकलेट ब्रेड पुडिंग बनेगी, स्टिकी ऑरेंज जिंजर
चिकन बनेगी, बेहतरीन सा कल का मेन्यू हो, क्योंकि मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि फ्राइडे वाले दिन को आपको ऐसी ज़बरदस्त सी चीज़ बनाना सिखाएं जो आपके वीकेंड पे काम आए। बिल्कुल, ब्रेड पुडिंग जो है कोशिश इनकी चाइनीज़ की होती है। हाँ, कंग पाव डाल दिया, कंग पाव डाल दिया और उसके बाद स्टिकी ऑरेंज चिकन जो है ये भी हमने डाली है। ये दोनों चाइनीज़ रेसिपी है, इसके बाद मैं राइस नहीं बना रही, मैंने कहा इसके साथ ब्रेड पुडिंग बनाएंगे जो कि सर्दियों में अमूमन बहुत अच्छी लगती है। ब्रंच आप कर रहे हैं या ब्रेकफास्ट में इसको आप खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। कल की रेसिपी देखना हरगिज़ मत भूलिएगा, यानी कल हमारा वीकेंड होने वाला है शानदार कल के इस मेन्यू के साथ। वीकेंड वो तो करेंगे इस मेन्यू को, लेकिन जो पूरे वीक में भी बनता रहा है वो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो भी बहुत मज़ेदार है। तो कहीं ना कहीं आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं लाइक लंच में, डिनर में, ब्रंच में, कहीं पर भी, ताकि आप लोग वीकेंड भरपूर मज़े की रेसिपीज़ के साथ इन्जॉय कर सकें। बहरहाल आज फ्राइडे नहीं है, इतनी वीकेंड्स की बातें ना करें, कल फिर मुलाकात करें आपसे। और जी, इन तीन रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे। आज की रेसिपीज़ देखिए, इन्जॉय कीजिए एंड ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।